हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल टू जेके लेटेस्ट इन्फो आज जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही देखा जाए तो बहुत इजी सा टॉपिक uh, है अगर आपको क्वेश्चंस निकालने आते हैं तो पांच क्वेश्चंस आते हैं इसके फाइव क्वेश्चन और वो पांच मार्क्स के रहेंगे पांच मार्क्स बैंकिंग एग्जाम में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं आप सबको पता ही है और आप ये पांच मार्क्स सिर्फ टू 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 पॉइंट फाइव मिनट दो से ढाई मिनट में आप कर सकते हो एग्जामिनर पांच में से चार क्वेश्चन तो बहुत इजी डालेगा कोई एक डाल सकता है जिसमें आपको फैक्टर्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आए बट मैं आपको ये मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ टू से टू पॉइंट फाइव अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है ये वीडियो आपने देख लिया है और क्वेश्चंस उसके बाद डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप इससे ज्यादा टाइम लेंगे चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं बेटा देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वो आते हैं किस फॉर्म में एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ऐसे आपको एक इक्वेशन दी होगी वैसे ही एक y की फॉर्म में इक्वेशन दी होगी अब जहा यहां पे जो c b और a है ना ये नंबर्स हैं नंबर्स मैं आपको रिलेट करके बता देता हूं जैसे एक्स स्क्वेर प्लस एक्स माइनस प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो कोई भी एग्जांपल तो ये जो 20 है ना ये c है ये नंबर है अब इसके साथ x के साथ तो कोई नंबर नहीं है बट इसको हम मानते हैं कि 1 है एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 तो जो भी x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x ही रहेगा वैसे यहां पे भी तो यहां पे ये वैल्यू जो 1 है ये b की है और ये जो वैल्यू है ये a की है अब हमने अप्रोच क्या करनी होती है तीन स्टेप्स में आपको बताऊंगा सिर्फ तीन स्टेप्स जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा और कुछ हिडन ट्रिक्स बताऊंगा आपको इस वीडियो में जिसको आप सिर्फ दो सेकंड में दो सेकंड टू सेकंड्स जिसको आप देख के बता दोगे कि इसका आंसर क्या है तो आप वीडियो में बने रहना वीडियो को स्किप मत करना ठीक है अब हम मैं थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूं जब इक्वेशन आपको दी होगी करना क्या होता है सी को ए से मल्टीप्लाई करना होता है या जैसे कि ये जो 20 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है 20 इंटू वन और ये जो प्रोडक्ट आया है ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हम डिवाइड करेंगे इस फॉर्म में कि जो उन दो नंबर्स का सम होगा वो ये b बनना चाहिए यानी कि 1 यहाँ पे बनना चाहिए ठीक है चलिए मैं आपको बता देता हूं ये तो एक केस हो गया पूरे क्वेश्चन में चार केस बन सकते हैं इन साइन के हिसाब से पहला ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ए एक्स स्क्वेर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो इन चार इक्वेशंस के अलावा कभी भी आपको कोई फिफ्थ इक्वेशन देखने को नहीं मिलेगी एग्जाम में तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ तीन स्टेप्स बताऊंगा ये रहे वो तीन स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप रहता है इसका फर्स्ट स्टेप उसमें हमें देखना होता है साइन मेथड हमें साइंस पता करने हैं कि रूट के क्या साइन होंगे दो वैल्यू आएंगी और उन दो वैल्यूज के जो साइंस होंगे वो क्या होंगे अब कुछ क्या करते हैं कुछ एक टेबल सा बना लेते हैं ठीक है कुछ टेबल बना लेते हैं उसमें याद कर लेते हैं टेबल को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ठीक है ऐसे वो याद करते हैं कि अगर इक्वेशन में ये जो प्लस के साइन आ रहे हैं दोनों प्लस हैं तो रूट्स जो होंगे उसके दोनों माइनस निकलेंगे बट मैं आपको बोलूंगा कि आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको याद रहेगा कि आपने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है देखिए अगर तो आपने सबसे पहले देखना है सी के पहले वाला साइन अगर वो प्लस है सी के पहले वाला साइन अगर तो प्लस है तो जो इसके जो रूट्स आएंगे दो नीचे जो दो रूट्स आएंगे ठीक है यहां पे जो दो रूट्स आएंगे वो सेम होंगे सेम रूट्स होंगे अगर यहां पे प्लस दिख रहा है आपको सी से पहले तो सेम रूट्स आएंगे चाहे वो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो अब वो दोनों माइनस हैं या दोनों प्लस हैं वो हमें कैसे पता चलेगा वो ऐसे पता चलेगा फिर हम देखेंगे बी के पहले वाला जो साइन है जो यहां पे साइन है इस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों नीचे माइनस के होंगे या प्लस होंगे ये वाले प्लस से पता चलेगा साइन सेम है बट इस वाले से पता चलेगा अगर यहां पे प्लस है तो नीचे के साइन उल्टे होंगे दोनों माइनस होंगे ठीक है देखिए जैसे यहां पे प्लस देखा मतलब पता चल गया दोनों रूट सेम होंगे और यहां पे प्लस है तो पता चल गया उल्टे साइन है दोनों सेम यही चीज इन्होंने ऊपर पकाई है कि दोनों प्लस का अगर साइन है तो रूट्स डबल माइनस होगा ठीक है अब यहां पे देखिए नीचे यहां पे अगर प्लस दिख गया तो पता चल गया कि नीचे रूट सेम होंगे दोनों रूट्स सेम होंगे यहां पे देखा माइनस है तो उसका उल्टा यानी कि दोनों के प्लस होंगे यही चीज यहां टेबल पे है कि माइनस प्लस माइनस प्लस दोनों के रूट्स प्लस प्लस ठीक है अब देखिए जब सी से पहले माइनस लगा है यहां पे माइनस है यहां पे भी माइनस है तो हमें पता चल जाएगा एक रूट प्लस का होगा एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा ठीक है बट अब इस वाले रूट इस वाले साइन से हमें क्या पता चलेगा जैसे यहाँ प्लस है तो हमें पता चलेगा कि जो बड़ा रूट होगा अब यहां पे था ना उल्टे आ रहे थे यहां पे भी उल्टा है अगर यहाँ प्लस है तो यहां का जो माइनस वाला रूट होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी इसकी छोटी होगी यहाँ पे माइनस है यहां पे प्लस वाले की वैल्यू बड़ी होगी माइनस वाले की वैल्यू छोटी होगी ठीक है यही चीज यहां पर है प्लस माइनस का रूट माइनस प्लस यहां पे माइनस की वैल्यू बड़ी है ठीक है जब मैं क्वेश्चन आपको आगे करवाना शुरू करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा और मैं आपको जो हिडन ट्रिक्स की बात कर रहा हूं वो भी बताऊंगा अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने साइंस निकाल लिए सेकेंड स्टेप जो रहा सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया कि जब हम इसको ए और सी का जो प्रोडक्ट करेंगे उसको डिवाइड करना है दो रूट्स में ना और उनको डिवाइड करके जो उनका सम आना चाहिए वो ये वैल्यू बननी चाहिए सेकंड स्टेप ये है थर्ड स्टेप है थर्ड स्टेप है कि ये जो नंबर है ए वाला जो दो रूट्स निकले होंगे उसको इसके साथ डिवाइड कर देना है अब जैसे यहां पे वन है तो डिवाइड नहीं भी करोगे तो चलेगा बट अगर यहां पे टू होता थ्री होता तो आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ता और लास्ट में उनको कंपेरिजन करना है कि कौन सी टर्म्स बड़ी हैं और कौन सी छोटी है ठीक है तो लेट्स मूव टुवर्ड्स है? ये रहा क्वेश्चन आपका अब यहाँ पे देखिए ये एक्स की इक्वेशन है ये वाई की इक्वेशन है तो इसको करना है हमने पहला काम क्या करेंगे नंबर स्टेप वन क्या था ये देखिए स्टेप वन था हमें साइंस पता करने थे तो यहां अगर प्लस है नीचे के जो दो रूट्स के साइन होंगे वो सेम होंगे पता चल गया बट यहाँ प्लस है तो उल्टे साइन होने चाहिए यानी कि दोनों रूट्स माइनस के होंगे यहाँ पे भी प्लस है रूट तो सेम है नीचे के और यहाँ पे भी माइनस माइनस ठीक है अब इसको हमने डिवाइड करना है मैं आपको जो अप्रोच बताऊंगा आप उस अप्रोच से करो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं देखो इसके फैक्टर्स बना लो सिक्स के फैक्टर्स होते हैं टू इंटू थ्री यही होता है और टू और थ्री को अगर हम प्लस करेंगे तो फाइव बनता है ठीक है तो ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री ठीक है टू और थ्री अब नेक्स्ट स्टेप क्या था डिवाइड करना ए से जो कि इसके यहां पे वन की वैल्यू है अब इसको अगर हम वन से डिवाइड भी करें तो भी सेम वैल्यू रहेगी तो हमें वन जब होगा तो लिखने की भी जरूरत नहीं है ये काम हो गया हमारा एक्स का वाई में देखिए, साइन हमने रख लिए थे पहले ही अब इसको भी हम कर लेते हैं टू इंटू टू इंटू थ्री ठीक है तो टू इंटू टू फोर और थ्री ये रहा फोर और ये रहा थ्री डिवाइड किया वन से ठीक है तो वैल्यूज क्या आई माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री अब आपको पता होना चाहिए कि अब इनको कंपैरिजन कैसे करते हैं माइनस की टर्म में हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं उनको लगता है कि ये माइनस टू है और माइनस फोर में फोर बड़ा है तो ऐसा होगा कि ये टर्म बड़ी होगी बट नहीं मैं आपको समझा देता हूं ये एक लाइन है यहां जीरो होता है ये वन टू थ्री फोर इस साइड माइनस में जाती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है ये इस सीक्वेंस में चलती है इंक्रीजिंग ऐसे बढ़ती है तो जब वन टू थ्री फोर अब फोर तो वन से बड़ा होता है ठीक है लेकिन यहां पे देखिए जब ऐसे बढ़ रही है माइनस फोर और माइनस वन को कंपेयर करेंगे तो माइनस वन बड़ा होगा ठीक है समझ रहे हो पॉइंट अब ऐसे ही जब हम कंपेयर करेंगे माइनस टू को माइनस फोर से तो ये माइनस टू बड़ा है फिर हम करेंगे माइनस टू को माइनस थ्री से यहां पे भी ये बड़ा है माइनस थ्री को माइनस फोर से करेंगे तो भी ये माइनस थ्री बड़ा है बट यहां पे दोनों इक्वल आ रहे हैं ठीक है तो x एक, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हमारा आंसर रहेगा ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है बट जब हम इसको डायरेक्टली करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्पीड से तो इतना टाइम नहीं लगेगा सिर्फ हमें साइंस देखने हैं और फैक्टर लिखने हैं है करने सेट चलिए यहां पे देखिए प्लस का साइन है यानी कि नीचे के साइन सेम होंगे यहां माइनस है तो यहां दोनों प्लस यहां पे देखिए सेम साइन होंगे माइनस के उल्टे होंगे तो प्लस पता चल गया अब देखिए यहां पे ए की वैल्यू है सिक्स हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट होता है टू इंटू सिक्स करेंगे तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है इस तरह से देखो मैंने बोला ना आपको फैक्टर्स बना लो सिक्स के क्या फैक्टर होते हैं टू इंटू थ्री तो जब इनको इस फॉर्म में लिखना है कि यहां पे सेवन आना चाहिए तो टू इंटू टू फोर फोर और थ्री सिंपली बट अभी हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे सिक्स है इसको डिवाइडेड बाय सिक्स यहाँ थ्री है इसको डिवाइडेड बाय सिक्स यहाँ पे देखिए आगे ट्वेल्व को लिख लो आप थ्री इंटू फोर ट्वेंटी को लिख लो आप फोर इंटू फाइव हमें बनाना है थर्टी वन अब मैं ये देख रहा हूं कि फोर इंटू फोर सिक्सटीन और थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन सिक्सटीन और फिफ्टीन थर्टी वन होते हैं सिक्सटीन और फिफ्टीन यहाँ पे डिवाइडेड बाय थर्टी वन डिवाइडेड बाय थर्टी वन। ये हमारे रूट्स निकल आए हैं एक, एक्स के और वाई के अब रही कंपैरिजन की बात <coughs> अब देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे सॉल्व कर लेते हैं सिक्स को पॉइंट से यहाँ जीरो लग जाएगा सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स आ जाएगा यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व फाइव से जीरो पॉइंट फाइव ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे थर्टी वन और सिक्सटीन को सॉरी यहां पे थर्टी वन नहीं यहां ट्वेंटी आना था ट्वेंटी ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करना है अब इसको फोर से कट कर लेते हैं फोर फोर जिक्सटीन फोर फाइव ज ट्वेंटी इसको भी हम फाइव से कर लेते हैं फाइव थ्री सा फाइव फोर सा तो जब इसको करेंगे ये बन जाएगा जीरो पॉइंट एट ये बन जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव अब मैं जीरो पॉइंट सिक्स को उठा के लेके गया इसके पास जिस चारों प्लस की टर्म्स हैं। जब मैं इसको लेके गया यहां जीरो पॉइंट एट बड़ा आया ठीक है यहां पे एक और जब मैं इसको इसके पास लेके गया तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव भी सिक्सटी सिक्स से ज्यादा है जीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट एट में भी पता है आपको ये बड़ा है जीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट सेवन में आपको पता है ये बड़ा है तो इसका आंसर आ जाएगा x less than y ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब ए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं तभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन रखा है कि आपको पता चल सके देखिए जब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर एटी फोर आ रहा है जब यहां पे कोई भी टर्म होगी जिसकी लिखा होगा एक्स स्क्वायर टू फोर एटी फोर या फिर कोई भी नंबर तो बेटा जब यहाँ पे स्क्वेयर दिया है यहां पे पावर दी है तो जो इसके रूट आएंगे वो आएंगे एक रूट आएगा प्लस का एक रूट आएगा माइनस का तो प्लस माइनस ये फोर एटी फोर किसका रूट होता है ट्वेंटी टू का जब यहाँ पे टर्म के ऊपर रूट लगा के पहले से दिया है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी प्लस ट्वेंटी टू ठीक है तो एक्स की वैल्यू यहां आ रही है प्लस माइनस ट्वेंटी टू यहां आ रही है सिर्फ ट्वेंटी टू तो जब हम कंपेरिजन करेंगे वाई इसकी एक वैल्यू आई है ट्वेंटी टू और एक आई है माइनस ट्वेंटी टू और यहां पे आई है ट्वेंटी टू जब हम दोनों को कंपेरिजन करेंगे एक वैल्यू इक्वल आ रही है और एक वैल्यू बड़ी आ रही है वाई की क्योंकि प्लस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू से तो बड़ा है ठीक है बस आपको यहां पे याद रखना है जब इक्वल टू के पहले पावर दी है तो प्लस माइनस में वैल्यूज आएंगी बट अगर आपको पहले से रूट लगा के दी है तो एक ही वैल्यू आएगी वो होगी प्लस की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं यहां पे दिया प्लस का साइन हमने देखा प्लस का साइन है यानी कि रूट सेम आएंगे और यहां पे अगर दिया है माइनस तो रूट प्लस के आएंगे सेम चीज यहां देखी प्लस दिया है सेम आएंगे और यहां माइनस है तो यहां आएंगे प्लस के ठीक है यहां तक तो कोई क्लियर कंफ्यूजन uh, नहीं है आपको ठीक है अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं इसको लिख लो टू इंटू टू और ये वाला टू भी मल्टीप्लाई होगा ठीक है और हमें प्रोडक्ट बनाना है 104 जिसको हमने ऐसे डिवाइड लिखा है और सम करके आना चाहिए 21. तो मैं अगर लिख लू 4, 8. अगर मैं 2 इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट कर दू और 13 कर दू यानी 13 और 8. दो फैक्टर्स बन गए डिवाइडेड बाय 2 है डिवाइड बाय टू डि अब बट मैं यहां देख रहा हूँ यहां भी टू है यहां भी टू है अगर दोनों के पास सेम है तो अगर हम डिवाइड बाई टू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बट मैं आपको बता रहा हूँ हमें लिखना होता है अगर नहीं भी लिखेंगे यहाँ सेम है तो चलेगा अब यहाँ पे आ जाइए इसके फैक्टर्स देखो थ्री इंटू फोर इंटू टू एट और थ्री बनेगा एक आ गया एट एक आ गया थ्री डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू नहीं भी लिखते अगर हम टू टू को छोड़ दो क्योंकि सेम था सीधा कंपैरिजन कर लो थर्टीन एट से बड़ा है ठीक है थर्टीन थ्री से बड़ा है ओके एट एट इक्वल और एट थ्री से बड़ा है यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इसका आंसर ठीक है अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे अब मैं आपको बता रहा था कि कुछ क्वेश्चन हमें देख के करने हैं ट्रिक्स जो हिडन ट्रिक्स हैं वो हमें सीखने हैं अप्रोच हर चीज निकालने नहीं बैठनी है ये तो हमें शॉर्ट ट्रिक पता था कैसे करना है तो हमने कर दिया बट कुछ चीजें और भी जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम इसको क्वेश्चन को देख के कर देंगे कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहला मेथड था साइन निकालने का यहां पता चल रहा है प्लस है दोनों साइन सेम आएंगे और दोनों साइन आएंगे माइनस के आएंगे माइनस के यहां प्लस था तो अपोजिट साइन यहां पे देखिए यहां प्लस है साइन सेम होंगे किसके होंगे प्लस के ठीक है अब मैंने क्या किया मुझे पता है जब यहां पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं और यहां दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो मैं बाकी फैक्टराइजेशन और ये सब क्यों करूं रूट्स क्यों निकालू जबकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी रहती है माइनस वैल्यू से तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है वो माइनस वाली से हमेशा बड़ी रहेगी तो मुझे सिंपली x लेस देन y यहां पे आंसर आ जाएगा क्योंकि यहां पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव थी तो मुझे क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी सीधा मैंने आंसर लगा दिया हिडन ट्रिक कैसा लगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और मेथड अच्छा लगा तो लाइक like दबा देना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ बच्चे इस क्वेश्चन पे भी काफी ये क्वेश्चन आता है तो छोड़ देते हैं रूट्स में मैं आपको बताता हूं रूट्स का क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा रूट्स का क्वेश्चन में देखिए इसमें अप्रोच क्या रहती है यहां पे दिया रूट थ्री हमने क्या करना है जब रूट पहले हम साइन निकाल लेते हैं यहां प्लस है रूट सेम होंगे यहां माइनस है तो दोनों रूट्स प्लस के रहेंगे यहां पे माइनस है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा यहां पे माइनस है तो प्लस वाला बड़ा होगा माइनस वाला छोटा होगा ठीक है अब देखिए इसको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यहां पे जब रूट थ्री दिया है रूट में जो भी नंबर होगा ना उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री रहता है ठीक है और ये जो नंबर आया है इसको इससे डिवाइड कर दो ठीक है क्या किया है? हमने जो रूट थ्री था इसको इसी से मल्टीप्लाई किया रूट थ्री इंटू रूट थ्री बना थ्री इस नंबर को डिवाइड किया इससे तो ये बन जाएगा फिफ्टीन ठीक है अब ये जो नंबर है इसको हमने डिवाइड करना है इस टाइप में फिफ्टीन को हमने इस फॉर्म में लिखना है कि हमारा एट बन जाए उसका सम तो हम दिख रहा है थ्री इंटू फाइव होता है तो हम यहां पे लिखेंगे फाइव और थ्री अब यहां रूट थ्री था तो रूट थ्री यहां भी लगा दिया रूट थ्री यहां भी लगा दिया ठीक है आगे समझ चलिए अब यहां पे देखिए रूट टू था इंटू रूट टू बनेगा टू डिवाइड कर दो ट्वेंटी फोर से आ जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व के फैक्टर बनाने ऐसे यहां पे कुछ भी नहीं है तो वन मान लो ठीक है थ्री और फोर ठीक है अब यहां पे देखो बड़ा वाला क्या है फोर बड़ा है तो फोर प्लस थ्री छोटा है तो थ्री ठीक है यहां पे रूट टू यहां पे रूट टू हो गया अब हमने करना है कंपैरिजन अब कंपैरिजन कैसे करेंगे देख लो सबसे इजी वे रहेगा कंपैरिजन करने का आप इसको स्क्वेयर कर लो पूरी टर्म को स्क्वेयर कर लो फाइव का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव और रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री होगा ट्वेंटी फाइव की साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी सेवेंटी फाइव ठीक है यहां पे देखो इसका स्क्वेयर करेंगे थ्री का स्क्वेयर नाइन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन दोनों टर्म्स पॉजिटिव यहां पे स्क्वेयर करेंगे फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन और रूट टू का स्क्वेयर टू तो थर्टी टू टर्म आ जाएगी पॉजिटिव की यहां पर करेंगे थ्री का स्क्वेयर देखिए मैं सेवेंटी फाइव को यहाँ लेके गया सेवनटी फाइव थर्टी टू में सेवेंटी फाइव बड़ा है सेवनटी फाइव को माइनस से लेकर गया सेवनटी फाइव बड़ा है ट्वेंटी सेवन को थर्टी टू से कंपैरिजन किया तो थर्टी टू बड़ा हो गया तो जब ऐसा केस आ जाए कि एक टर्म x की बड़ी हो और दूसरी टर्म y की बड़ी हो तो उसका ऑप्शन आ जाता है कैन नॉट बी डेटा कैन नॉट बी डेट ऑप्शन नंबर वहां पे ई e रहता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सी डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब रूट वाले क्वेश्चन से बेटा घबराना नहीं है मैंने आपको अप्रोच बता दिया है एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना स्टेप समझ लेना कंपैरिजन करने का तरीका भी बता दिया है तो ये वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो ये क्वेश्चन में टर्म्स आ गई हैं अब ऐसी अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को हार्डली टू सेकेंड्स लगेंगे सॉल्व करने में कैसे पीछे बताया था मैंने यहां प्लस है रूट सेम आएंगे माइनस है तो प्लस के आएंगे <coughs> यहां पे प्लस है तो माइनस के सेम आएंगे ठीक है अब दिख रहा है दोनों पॉजिटिव टर्म्स है दोनों माइनस की टर्म्स हैं, तो हमेशा पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी होगी यानी कि x ग्रेटर देन वाई कितना टाइम लगा दो सेकंड। पूरा उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी ये आपको सब नहीं बताएंगे आप पूरा टाइम निकालने में वेस्ट करोगे तो उससे अच्छा है ये मेथड फॉलो करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी करो तो जो पांच क्वेश्चन है मैंने आपको बोला दो मिनट में आपके हो जाने चाहिए दो मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पे दिया है। प्लस है यहां माइनस है तो यानी कि दोनों प्लस के होंगे यहां प्लस है यहां पे भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे समझ गए अब देखिए एट है टू इंटू फोर रहता है और सिंपल फोर और टू बन गए यहां वन है तो डिवाइड बाय वन करने की जरूरत नहीं है देखिए यहां पे थ्री इंटू फाइव रहता है तो फाइव और थ्री कंपैरिजन कर लो फोर यहां पे गया फाइव बड़ा निकला फोर यहां पे गया तो फोर थ्री से बड़ा निकला तो बस जब एक एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाए और एक वाई की वैल्यू बड़ी हो जाए तो आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी अड्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि अगर ऐसे लिखा हो x की पावर दी हो टू और इक्वल टू कुछ नंबर दिया है तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे प्लस माइनस में आएंगे क्या आएगा प्लस माइनस फोर ठीक है अगर यही चीज दी होती मैं आपको बताता हूं x इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन तो इसका आंसर सिर्फ x इज इक्वल टू फोर आता प्लस वैल्यू आती ठीक है चलिए यहां पे प्लस माइनस फोर आ गया और वाई को जब हम करेंगे सॉल्व 64 का क्यूब रूट क्या रहता है वो भी रहता है फोर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू अब यहां का फोर फोर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम आ रही है इक्वल लेकिन पॉजिटिव फोर माइनस फोर से तो बड़ा है यानी कि वाई की टर्म बड़ी हो गई और इक्वल टू हो गई x के ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस निकाल लीजिए माइनस माइनस यहां पे प्लस प्लस क्या बात है क्वेश्चन निकालने की क्या जरूरत है पता है दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं वाई बड़ा होगा एक्स से ठीक है ऐसे करनी है अप्रोच बेटा अब मैं निकालता इसको फैक्टर्स बनाता फिर आप करते तो टाइम नहीं वेस्ट करना है आगे बढ़ना है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने है। हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रूट वाला क्वेश्चन चलिए अब फिर से रूट वाला क्वेश्चन आ गया है तो रूट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे मैंने आपको बताया रूट थ्री दिया है तो पहले क्या करेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री विच इज थ्री फोर्टी टू को थ्री से डिवाइड किया थ्री वन जी फोर्टीन अब फोर्टीन को डिवाइड करना जिससे फाइव बने तो टू इंटू सेवन होता है यहां पे दिया माइनस है साइन तो माइनस कर एक होगा एक बड़ा और ये अब सेवन वाला बड़ी टर्म है और टू ये है समझ आया माइनस था तो एक प्लस होना था एक माइनस होना था प्लस वाला है तो माइनस वाला बड़ा होगा चलिए रूट थ्री रूट थ्री आगे यहां पे आ जाइए रूट टू इंटू रूट टू टू ही होगा तो सीधा डिवाइड करेंगे फिफ्टीन और फिफ्टीन के जब बनेंगे थ्री इंटू फाइव तो वो एट बनता है अब यहां प्लस है तो यहां दोनों टर्म्स सेम होंगी और यहां माइनस है तो प्लस की होंगी प्लस फाइव प्लस थ्री यहां पे रूट टू यहां पे रूट टू ठीक है कंपैरिजन करना है करो स्क्र फोर्टी नाइन इंटू थ्री वन फोर्टी सेवन माइनस का इसको भी स्क्वेयर करो ट्वेल्व इसको भी स्कोयर करो फिफ्टी इसको भी स्क्वेयर करो एटीन ठीक है अब ये माइनस की टर्म है यहां पे सामने दिख रहा है कि फिफ्टी और एटीन इन नंबर से बड़ा है तो एक्स लेस देन वाई इज द आंसर ये रहा आंसर तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपने खुद करना है और इसका आंसर आपने कमेंट में लिखना है ठीक है एक्स स्क्वेयर माइनस इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो वाई स्क्वेयर प्लस नाइन वाई प्लस एटीन इक्वल टू जीरो इसको सोल्व करके आपने बताना है कि आंसर x ग्रेटर देन y है x लेस देन y है x ग्रेटर देन इक्वल टू y है x लेस देन इक्वल टू y है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ये आंसर आपने करके कमेंट्स में लिख देना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच